दोस्तों माना जाता है कि देश IAS और IPS ही चलाते हैं, और अगर कोई IAS ऑफिसर भ्रष्टाचार की जड़ें खत्म करने पर आए तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाता है। देश में ऐसे कई अधिकारियों की तस्वीरें सामने आती हैं जो भ्रष्टाचार की जड़ों तक पहुंचने के लिए वेशभूषा ही बदल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी ये तस्वीर किसी आम किसान की नहीं बल्कि विजयवाड़ा के सब कलेक्टर जी सूर्या परवीन चंद की है, जिसमें वो खुद खाद लेते दिख रहे हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा उन्होंने खाद की दुकानों पर किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी की जांच करने के लिए किया। ये अधिकारी किसान के वेश में एक पुरानी सी बाइक पर सवार हुए और कायकलूरु एवं मुदीनेपल्ली मंडल की खाद की दुकानों पर खाद लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान IAS ने अपनी ग्राउंड जीरो से की गई जांच में पाया कि कई दुकानदार डायमोनियम फॉस्फेट और यूरिया MRP से ज्यादा दाम में बेच रहे थे। यहाँ तक कि वो खाद का कोई बिल भी नहीं दे रहे थे, और तो और उन्होंने खाद के गोदाम भरे हुए थे, यानी कि दुकानदार जमाखोरी भी कर रहे थे। बाइक पर किसान की वेशभूषा में खाद लेने पहुंचे IAS की ये फोटो @SushilR टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो शख्स खाद लेता दिख रहा है वो IAS अधिकारी परवीन चंद है। मिली जानकारी के अनुसार इलाके के एक दुकानदार ने उन्हें किसान के साथ होती इस धोखाधड़ी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद जांच करने के लिए शुक्रवार को ये कदम उठाया। उन्होंने जिन दो दुकानदारों को हेराफेरी करते पकड़ा उन दो दुकानों को सीज कर दिया गया है। जांच में सामने आया था कि ये दुकानदार निर्धारित राशि से अधिक रेट में यूरिया बेच रहे थे। इतना ही नहीं, वो ग्राहकों की आधार डिटेल भी नहीं ले रहे थे। दोस्तों सलाम है ऐसे अफसर को जो एक ही शिकायत पर भ्रष्टाचार की जड़ खोखली करने के लिए खुद किसान के वेश में निकल पड़े और उन भ्रष्ट दुकानदारों पर कार्रवाई भी की। ऐसे अफसरों की इस देश में बहुत ज़रूरत है। दोस्तों कलेक्टर साहब की इस तरह की कार्रवाई करने के अंदाज को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, Time 24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।